नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज मैं आपको बताने वाला हूं आपके जो मूलांक है, ये कह सकते हैं आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, उसके थ्रू एक छोटा सा उपाय बताने वाला हूं जो कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए बहुत ही अचूक उपाय है। बहुत सारे लोग इस उपाय को करते भी है और उनको फायदा भी हुआ है। ध्यान रहे, मैं अभी जो बता रहा हूँ वो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से डिपेंड करता है, डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड है या कह सकते हैं कि आपके मूलांक से रिलेटेड है। तो आज मैं आपको पहले वीडियो में तीन मूलांक के बारे में बताऊंगा, मूलांक एक, मूलांक दो और मूलांक तीन के बारे में। इसके बाद में अगले वीडियो में उसके आगे वाले मूलांकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मूलांक एक की। तो अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख या फिर 19 तारीख या 28 तारीख को अगर हुआ है तो आपका मूलांक बनता है एक। अगर आपका मूलांक एक है तो आपको अपने जो लेफ्ट हैंड का थंब है, लेफ्ट हैंड का थंब है उसके नीचे वाला पार्ट, ये लेफ्ट हैंड के थंब का जो नीचे वाला पार्ट है, इस पार्ट में आपको क्या करना है कि ग्रीन पेन से, देखिए अभी मेरे पास पिंक पेन है लेकिन इसके अंदर जो इंक है वो ग्रीन होनी चाहिए। मतलब पेन का कलर कुछ भी हो सकता है लेकिन इंक का कलर कैसा होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। तो ग्रीन कलर की इंक से आपको यहाँ पर 41 लिखना है। आपको यहाँ पे क्या लिखना, 41। रोज आपको 41 आपके लेफ्ट हैंड थंब के जस्ट नीचे का जो पार्ट है इस पार्ट के ऊपर आपको 41 लिखना है और ये रोज आपको करना है। यानी आपने जैसे नहाए धोए, आपका पूरा काम हुआ, इसके बाद आपने क्या करा, पेन लिया, पेन से आपने 41 लिखा और उसको दिन भर दिखा रहने दीजिए। ठीक है, जब तक वो ना मिटे तब तक आपको उसको लिखा रहे, और ये काम आपको डेली करना। आप एक आदत बना लीजिए कि आपको डेली आपको 41 इस पर लिखना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा होगी, साथ ही आपके जो धन दौलत है वो बढ़ेगी, आपके बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपके पर्स में हमेशा पैसा टिकेगा। तो चलिए हम बात करते हैं मूलांक दो की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख को हुआ है, 11 तारीख को हुआ है या फिर 20 तारीख को हुआ है या 29 तारीख को हुआ, इनमें से किसी भी दिन आपका अगर जन्म हुआ है तो आपका मूलांक हुआ दो, तो आपको ब्लू कलर के इंक वाले पेन से, ब्लू कलर की जो इंक है उससे आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड थंब के नीचे यहाँ पर आपको क्या करना है, 51 लिखना है। रोज 51 आपको लिखना है, सुबह नहा धो के आप इसके बाद जब भी ऑफिस जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन सुबह पहला काम आपको यही करना है, यानी कि नहा धोने के बाद आपको 51 आपको लिखना है, डेली लिखना है। और जब तक लिखना है जब तक कि वो आपका काम हो नहीं जाए, यानी कि वैसे तो आप इसको आदत डाल लीजिए कि आपको 51। अब देखिए क्या होता है कि आप सोच रहे कि कैसे यार अच्छा नहीं लगेगा 51 लिखना, या कोई भी नंबर यार लिखूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, अपना काम बनना चाहिए। तो आपको क्या करना है, 51 लिखना है रोजाना सुबह, और दिन भर उसको रहने देना है जब तक कि वो अपने आप खत्म नहीं हो जाए, तब तक उसको रहने देना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके आपके घर में धन बढ़ेगा, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, आपका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहेगा, आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। इसलिए आप रोज इस प्रकार की आदत डाल लीजिए। चलिए हम बात करते हैं मूलांक तीन की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख को हुआ है, 12 तारीख को हुआ है, 21 तारीख को हुआ है या 30 तारीख को हुआ है, तो अगर तो ऐसे व्यक्ति का मूलांक होता है तीन। तो ऐसे लोगों को अपने हाथ के, यानी कि अपने जो लेफ्ट हैंड है उस लेफ्ट हैंड थंब के नीचे वाला पार्ट है जिसको मैंने अभी बताया बार बार, तो इस पार्ट के नीचे आपको 45 लिखना है। किस कलर के पेन से, आपको रेड कलर के पेन से 45 का अंक लिखना है। रोज लिखना है, ये सुबह के टाइम लिखना है, नहा धोने के बाद लिखना है, दिन भर उसको रहने देना है, और ये आपको आदत डाल लेनी है रोज के लिए कि आप रोज इस प्रकार का काम करेंगे। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी की बढ़ोतरी होगी, आपके घर में धन टिकेगा, लक्ष्मी आएगी, आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा, आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ता रहेगा, अगर आप इस प्रकार के आप आदत डाल लेते हो तो। ये थे तीन मूलांक के बारे में अभी मैंने आपको बताया। इसी प्रकार से आगे के जो मूलांक है वो अपने नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं आपका मूलांक अगर इनमें से है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका मूलांक इनमें से नहीं है तो आप मेरा अगला वीडियो जरूर देखिए, और साथ में ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तथा आप रही खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।